गाइज, मैं पिछले 5 साल से ब्लॉगिंग फील्ड में हूँ एंड मैंने अपनी बहुत सारी वेबसाइट को एडसेंस में अप्रूव करा है, वो भी सिर्फ 5-5 आर्टिकल डालकर। एंड एडसेंस अप्रूवल लेने का मेन रीजन ये है कि एडसेंस में हमारी जो अर्निंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है दूसरे एड नेटवर्क के कंपैरिजन में। एंड गाइज, यही कारण है कि हर एक बिगिनर चाहता है कि वो अपने ब्लॉग पर एडसेंस के एड्स लगाए एंड वहां से पैसे कमाए, लेकिन रियलिटी में बिगिनर्स को एडसेंस का अप्रूवल मिलता ही नहीं है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2024 में कैसे आप अपने ब्लॉग को एडसेंस में अप्रूव करा सकते हो, वो भी कम से कम आर्टिकल डालकर। मैं अपना पर्सनल मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसको कि मैं पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूं, हर बार मेरी साइट एडसेंस में अप्रूव हो जाती है। देखो, अगर हम बात करें आज से 4 से 5 साल पहले की, यानी कि 2019-20 की, तो उस टाइम पर एडसेंस का अप्रूवल लेना बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन करंटली एडसेंस का अप्रूवल लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है। लेकिन अगर इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा देखते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि वो इतनी सी भी डिफिकल्टी आपको नहीं होने वाली है, एक बार में आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई के चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं डालता रहता हूं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब सबसे पहले तो जो लोग यहां पर प्रूफ देखने के लिए आए हैं कि एक्चुअल में मैंने अपनी मल्टीपल वेबसाइट्स को एडसेंस में अप्रूव कराया हुआ है नहीं, तो वो लोग यहां पर देख सकते हो, ये मेरी एक ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे आप देख पाओगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 डोमेन्स को मैंने यहां पर एडसेंस में अप्रूव कराया हुआ है। इसको मैं रिफ्रेश करके भी बता देता हूं, मैंने यहां पर कीवर्ड डाला हुआ है योर साइट इज नाउ Ready to serve AdSense ad, तो उससे related जितने भी emails है वो आ चुके। किसी भी email को मैं open करके भी आपको बता देता हूं, तो यहां पर देख सकते हो ये साइड यहां पर अप्रूव है। इसी तरीके से चारों साइड अप्रूव है। इसी तरीके से ये एक और email ID है जो कि हमने लाइव एडसेंस वाली सीरीज बनी थी fitnesstricks.in की, तो इस साइड को भी सिर्फ हमने 6 आर्टिकल के अंदर एडसेंस में अप्रूव कराया था। एंड इसका लाइव वीडियो भी पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पर आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, तो उनको जरूर आप देखना। 2024 में अगर आपको अपने ब्लॉग को एडसेंस में अप्रूव कराना है तो बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं समय के साथ में, वो आपको जानना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि एडसेंस पहले कैसे काम करता था एंड अब कैसे काम करता है। देखो, अगर हम बात करें आज से 3 या 4 साल पहले की, 2020 की, 2019 की, तो उस टाइम पर क्या होता था कि अगर आपने कोई ब्लॉग बनाया, चाहे आप ब्लॉगर पर बना रहे हो, वर्डप्रेस पर बना रहे हो, उस ब्लॉग पर आपने 10 से 15 आर्टिकल डाल दिए, सारे आर्टिकल इंडेक्स हो गए, एंड अगर आप अप्लाई करते थे एडसेंस में तो आपको अप्रूवल मिल जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, हमने भी इस टाइप से अप्रूवल लिए हुए। लेकिन अभी के टाइम पर ये सेम चीज आप करते हो तो आपको बिल्कुल भी एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर एडसेंस दे। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे तब तक आप एडसेंस का अप्रूवल नहीं ले पाओगे। देखो, 2018-19 या फिर 20 की बात करें तो उस टाइम पर जो एडसेंस में यूजर थे वो बहुत ज्यादा कम थे, या फिर बोल लो ब्लॉगिंग में जो यूजर्स थे वो कम थे। अब जैसे ही कोरोना आया तो लोगों ने यहां पर जो है ऑनलाइन शिफ्ट होना चालू किया कि यार ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, क्योंकि साल भर तक सभी लोग घर में बैठे रहे, तो उस वजह से ऑनलाइन पैसे कमाने, तो बहुत सारे लोग, यानी कि एक बहुत बड़े अमाउंट में लोग ब्लॉगिंग में जुड़े। अब वो लोग जब ब्लॉगिंग में जुड़े तो वो एडसेंस के साथ जुड़ेंगे ही, क्योंकि एडसेंस से ही उनकी अर्निंग होगी। तो एडसेंस के पास क्या है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस आने लग गई। अब देखो एडसेंस का माइंडसेट क्या रहता है, अब एडसेंस पैसे कैसे कमा रहा है, एडसेंस पर एडवर्टाइजर आते हैं, वो एड्स चलाते हैं, उन एड्स हमारी साइट पर चलते हैं, एंड कुछ पैसा जो है एडसेंस रखता है, कुछ पैसा हमें दे देता है। तो एडसेंस ये चाहता है कि जो एडवर्टाइजर उनको पे कर रहे हैं एड्स चलाने के लिए, उनका भी बेनिफिट हो, उनके जो एड्स है वो ऐसे किसी वेबसाइट पर ना चले जहां से कि उन एडवर्टाइजर को कोई बेनिफिट नहीं हो। तो इस रीजन की वजह से एडसेंस ने क्या करना चालू किया कि जो क्वालिटी वेबसाइट है, जो कि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रही है, उन्हीं को एडसेंस का अप्रूवल देना चालू कर दिया, ताकि जो एडवर्टाइजर जो पैसा लगा रहे उनके एड्स जो है सही जगह पर दिखे एंड उनको बेनिफिट हो, एडसेंस को बेनिफिट हो, एंड जिस बंदे की वेबसाइट है उसको भी बेनिफिट हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या चीजें अपने ब्लॉग पर करनी है जिससे कि 2024 में आपको एडसेंस का अप्रूवल इजीली मिल जाएगा। अगर आप कोई नया ब्लॉग भी बना रहे हो तो 20 से 25 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो मैं आपको बता देता हूं। तो रिक्वायरमेंट्स का टैब जैसे मैंने ओपन किया तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मिनिमम आपका जो ब्लॉग है वो 25 दिन ओल्ड होना ही चाहिए। यानी कि अगर आज आपने अपने डोमेन को रजिस्टर किया है, अपनी वेबसाइट को बनाया है, तो मिनिमम यार आपको 25 डेज तो वेट करना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट को रैंक होने में, ट्रैफिक आने में, अपने आर्टिकल को सही तरीके से इंडेक्स होने में मिनिमम जो है 15-20-25 दिन तो लगते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट यही है कि 25 दिन आपको वेट करना है, उसके बाद एडसेंस में अप्लाई करना है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी आप नया ब्लॉग बना रहे हो उस ब्लॉग पर मिनिमम आपको 10 आर्टिकल तो डालने ही है। 10 आर्टिकल से कम आर्टिकल में तब आपको अप्रूवल मिलेगा जब आपकी साइट पर ट्रैफिक आ रहा हो। यहां पर यह बात सुननी आपके लिए जरूरी है, अगर आपकी साइट पर ट्रैफिक भी नहीं आ रहा है एंड आपने सिर्फ 4-5 आर्टिकल डाला है तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, आपको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ जाएगा। तीसरी जो रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट आती है वो ये आती है कि आपका एक TLD डोमेन होना चाहिए। सपोज अगर आपको डोमेन को रजिस्टर कर रहे हो तो वो .com, .in, .net इस तरीके का जितने भी टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं उनमें से कोई एक डोमेन होना चाहिए। अगर आप हर कोई सा डोमेन रजिस्टर कर रहे हो तो फिर आपको डिफिकल्टी हो सकती है। चौथी जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है ऑर्गेनिक ट्रैफिक की। अभी तक के सिनेरियो पर मैंने देखा है कि जिस ब्लॉग पर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है उन ब्लॉग को एडसेंस का अप्रूवल बहुत इजीली मिल जाता है कंपैरिजन में वो ब्लॉग जिनके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है। तो ट्राई करो कि जो भी आर्टिकल्स डाल रहे हो उन पर थोड़ा बहुत आप ट्रैफिक लेकर आओ। ये तो कुछ रिक्वायरमेंट मैंने आप सभी लोग को बता दी, लेकिन ऐसा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको अपने ब्लॉग के अंदर करनी है जिससे कि आपको अप्रूवल मिलेगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर इस वीडियो का कंसेप्ट रहने वाला है। तो रिक्वायरमेंट में मैंने आपको कहा था कि 10 आर्टिकल आपकी साइट पर होने चाहिए, तो उन 10 आर्टिकल को कैसे आपको लिखना है, कैसे राइट करना है, कैसे उनको टॉपिक्स को फाइंड करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप एक यूनिक टॉपिक पर आर्टिकल नहीं लिखोगे तब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि एडसेंस यही चाहता है कि यूनिक कंटेंट हो। तो वो यूनिक कंटेंट कैसे बनाना है वो आप देख लो। तो गूगल पर मैं आ चुका हूं एंड सपोज करो आपकी वेबसाइट का जो नीच है वो नीच है फिटनेस से रिलेटेड, तो फिटनेस से रिलेटेड आपका नीच है तो आपको यूनिक टॉपिक कैसे फाइंड करना है एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, इसी को आप रिप्लेस कर सकते हो जो भी आपका नीच है। सपोज फिटनेस में मैं यहां पर कोई आर्टिकल लिखना चाहता हूं, फिटनेस में क्या क्या हो सकती है, कैसे वर्कआउट करना है वगैरह वगैरह, तो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं कि यार बाइसेप का साइज कैसे बताए। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ जो भी लोग फिटनेस फील्ड में होते हैं कहीं ना कहीं बाइसेप एक अट्रैक्टिव मसल है, तो लोग चाहते हैं कि बाइसेप कैसे बढ़ाए। तो जैसे ही मैंने यहां पर सर्च किया बाइसेप का साइज कैसे बढ़ाए, या फिर अगर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो हाउ टू गेन बाइसेप साइज, ये हमारा कीवर्ड रहेगा। तो मोस्ट ऑफ बिगिनर क्या करते हैं कि इन्हीं कीवर्ड पर डायरेक्टली आर्टिकल बना लेते हैं, एंड यही गलती हमारी हो जाती है कि जब हम इन कीवर्ड पर आर्टिकल बनाते हैं जैसे हाउ टू गेन बाइसेप साइज या फिर बाइसेप का साइज कैसे बढ़ाए, तो एडसेंस एंड गूगल का ये कहना है कि वो टॉपिक्स जिन पर ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है उन सेम टॉपिक पर अगर आप कंटेंट डाल रहे हो तो यार वो कंटेंट आपका एक यूनिक कंटेंट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आपने जो है एक तरीके से कॉपी ही कर लिया, क्योंकि कंटेंट तो पहले से अवेलेबल है, मैक्सिमम कंटेंट उस टॉपिक से तो हो सकता है। हमें क्या करना है कि कुछ यूनिक एडसेंस को एंड यूजर्स को प्रोवाइड कराना है। तो आप यहां पर देखोगे एक सेक्शन आपको देखने को मिला पीपुल ऑल्सो आस्क का। अब ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन क्या है कि लोग गूगल से क्या पूछ रहे हैं वो गूगल हमें यहां पर बता रहा है। तो लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि बाइसेप बढ़ाने के लिए क्या खाए, 1 इंच बाइसेप बढ़ने में कितना समय लगता है। अब यहां से हमें एक यूनिक टॉपिक मिल गया। अब पहले हम लिख रहे थे कि बाइसेप का साइज कैसे बढ़ाए, लेकिन यहां पर लोगों का ये मांग है कि 1 इंच बाइसेप बढ़ाने में कितना समय लगता है, लोग यहां पर सर्च कर रहे। तो हमें क्या करना है कि यहां से टॉपिक उठाना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है 100% यूनिक होते हैं। आप देखोगे कि इस कीवर्ड को आप सर्च करोगे तो पर्टिकुलर इस कीवर्ड से रिलेटेड आपको जो है आर्टिकल बहुत कम देखने को मिलेंगे। देखो इस कीवर्ड को मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद मैं इसे क्या करता हूं कि जो इन्वर्टेड कोमा है उसके अंदर मैं इसे डालता हूं, तो गूगल क्या करेगा कि पर्टिकुलर इस कीवर्ड से रिलेटेड ही हमें रिजल्ट बताएगा। तो यहां पर देखोगे ये 1 इंच साइज बढ़ने में कितना समय लगता है, जो लोग मांग कर रहे हैं गूगल से कि इससे रिलेटेड रिजल्ट बताओ, लेकिन उससे रिलेटेड सिर्फ 4 रिजल्ट मिल रहे हैं, उनमें से भी तो 3 भी है वो 3 और 4 यहाँ पर वीडियो है, मतलब कि इस कीवर्ड पर अभी तक किसी ने भी आर्टिकल नहीं बनाया। सपोज करो कि आप इस कीवर्ड पर आर्टिकल बनाते हो तो वो आर्टिकल यूनिक एंड एकदम नया हुआ है फिर नहीं गूगल के लिए, तो गूगल उसे जल्दी भी इंडेक्स करेगा, गूगल उसे गूगल के सेक्शन पर जल्दी जल्दी रैंक भी कराएगा। पर आपको एडसेंस का अप्रूवल ही आपका फर्स्ट टारगेट है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर आर्टिकल लिखना है। अब हो सकता है इन कीवर्ड्स को जब टारगेट करोगे तो आपको ट्रैफिक बहुत कम मिले फिर ना के बराबर मिले, लेकिन ये बात तो है कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका नीश है अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो आप क्या करोगे पीपल आल्सो आस्क में जो कीवर्ड्स मिल रहे हैं उन कीवर्ड्स को उठाओ एंड उन पर आर्टिकल बनाकर डाल दो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है अपने ब्लॉग के अंदर वो यहां पर जान लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंडेक्सिंग की एंड थीम की, यानी कि जो भी आर्टिकल आप बना रहे हो 1 इंच बाइसेप के बढ़ाने में कितना समय लगता है इस पर आर्टिकल बनाया, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आप आर्टिकल डाल रहे हो वो गूगल में इंडेक्स होने चाहिए, क्योंकि अगर वो इंडेक्स नहीं हो गया तो आपको एडसेंस अप्रूवल देने वाला है नहीं। तो इसलिए जरूरी चेक करना कि आपके आर्टिकल्स गूगल में इंडेक्स हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। अगर आपके आर्टिकल्स गूगल में इंडेक्स नहीं हो रहे तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है, जैसे ही आप मेरे चैनल पर जाओगे तो इंस्टेंट इंडेक्सिंग का आपको यहां पर एक वीडियो देखने को मिल जाएगा। मैं अगर 2-4 वीडियो बैक जाऊंगा तो यहां पर आप देख पाओगे कि इंस्टेंट इंडेक्सिंग का ब्लॉगर के लिए एंड वर्डप्रेस के लिए दोनों के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपने आर्टिकल डाला अगर इस मेथड को आप यूज करोगे तो 1 सेकंड के अंदर आपका आर्टिकल गूगल में इंडेक्स हो जाएगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ मैंने बताया। API के थ्रू हम
ये चीज कर सकते हैं जो कि बड़े बड़े ब्लॉगर्स करते हैं, तो आप भी इस मेथड को यूज करके इंडेक्सिंग कर सकते हो। एंड सेकंड चीज है कि थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सही थीम को यूज नहीं करोगे तो फिर आपको जो है एडसेंस में प्रॉब्लम हो सकती है। एक सही थीम को यूज करना और सही थीम को कस्टमाइज करना, मेन्यू वगैरह बनाना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। थीम भी मैंने अपनी वीडियोज में प्रोवाइड कराया हुआ है। अगर आप मेरी लाइव सीरीज में जाओगे तो उसमें कौन सी थीम आपको यूज करनी है वो मैंने बताया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर मैंने लाइव थीम चालू करी थी, प्रीमियम थीम मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दी है। एंड रिसेंटली हमने एक ब्लॉग भी बनाया था stockkings.online करके, तो उसमें भी कुछ रिजेक्शन आए थे, तो मैं उसको लाइव अप्रूवल कराकर आपको दिखाऊंगा। तो यार ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि मैंने आप सभी लोग को बताया कि 2024 में कैसे आप एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। कोई भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।